नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 13 नवंबर। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री नीतीश की मांग, नौकरियों में रिटायरमेंट की उम्र सीमा में हो बढ़ोतरी। ज्ञान भवन में आयोजित शिक्षा समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की अपने मन की बात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह ऐलान किया कि देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जीवनी को अब 8वीं कक्षा के पाठ में सामाजिक विज्ञान विषय में कोर्स में शामिल किया जाएगा। मुझे यकीन है कि उनकी जीवनी बच्चों के व्यक्तित्व विकास और उन्हें एक बेहतर नागरिक बनाने में मददगार साबित होगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा दिवस समारोह में ख्याति प्राप्त गणित के शिक्षक प्रोफेसर केसी सिन्हा और प्रेम वर्मा को मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित भी किया। मिलर स्कूल गूंज उठा मिथिला के आवाज से। मिलर हाई स्कूल में चेतना समिति की ओर से आयोजित विद्यापति स्मृति पर्व के मौके पर एक से बढ़कर एक विद्यापति एवं मिथिला लोक गीतों की प्रस्तुति से पूरा स्कूल परिसर गूंज उठा। आपको बता दें, 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय, सुशील कुमार मोदी, नीरज कुमार, विनोद नारायण झा, विजय कुमार मिश्र और चेतना समिति के अध्यक्ष विवेकानंद झा एवं सचिव उमेश मिश्र ने की। लालू के ड्रीम प्रोजेक्ट की एक बार फिर से हुई शुरुआत। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है। भागलपुर रेलवे स्टेशन अब अगले साल से प्लास्टिक के कप की जगह कुल्हड़ में चाय पिलाएगा। इसका पहला प्रयोग विक्रमशिला एक्सप्रेस में प्रयोग के तौर पर किया जाएगा। बाद में सभी ट्रेनों में यह लागू कर दिया जाएगा। दरअसल दिवाली को लेकर भी लोगों ने सोशल मीडिया पर एक अभियान चलाया था, जिसमें लोगों द्वारा यह अनुरोध किया गया था कि मिट्टी के बने दिए ही खरीदे, जिससे कि कुम्हारों को रोजगार मिल सके और स्वरोजगार की भावना लोगों में पैदा हो सके। दलसिंहसराय पहुंची भोजपुरी गायिका देवी ने बताई अपनी जीवन से जुड़ी बातें। विद्यापति राजकीय महोत्सव में अपनी प्रस्तुति देने दलसिंहसराय पहुंची भोजपुरी गायिका देवी ने आयोजित कार्यक्रम में एक मीडिया हाउस को दिए अपने एक व्यक्तिगत साक्षात्कार में कहा कि आज मैं जो भी हूं, भिखारी ठाकुर और विद्यापति के गीतों को गाकर ही हूं। मैं आज संगीत के क्षेत्र में इसलिए कुछ कर पाई हूं क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया है। बिहार के राज्यपाल ने गुरु नानक जयंती पर कही ये बात। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने गायघाट स्थित राजकीय महिला महाविद्यालय गुलजारबाग परिसर में सूचना व प्रसारण मंत्रालय द्वारा गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश पर्व पर मल्टीमीडिया डिजिटल फोटो प्रदर्शनी व लेजर शो के उद्घाटन के दौरान कहा कि सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव का जीवन मानवता के लिए सदैव प्रेरणादायक और मार्गदर्शक साबित हुआ है। अपने जीवन दर्शन के माध्यम से गुरु नानक जी ने लोगों को जीने का सही रास्ता दिखाया है। जमीन रजिस्ट्री अब हो सकती है वंशावली और कुर्सी नामा के आधार पर, आम नागरिकों के लिए अहम सूचना। हाल में जमीन रजिस्ट्री को लेकर बिहार सरकार ने कई तरह के नियम और कानून लागू किए थे, मगर अब जमाबंदी के बिना रजिस्ट्री नहीं करवा पाने के आदेश पर पटना हाईकोर्ट ने फौरन रोक लगाने का आदेश जारी किया है, जिसके पश्चात अब अंतिम तौर पर कई विकल्पों पर विचार विमर्श किया जा रहा है कि क्यों नहीं फिलहाल वंशावली या कुर्सी नामा के आधार पर बंटवारे को मान्यता प्रदान की जाए। नीतीश कुमार ने की साइकिल योजना की तारीफ। ज्ञान भवन में आयोजित शिक्षा दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकार द्वारा शुरू की गई साइकिल योजना की तारीफ करते हुए कहा है कि 14 साल पहले राज्य का कारभार संभाला तो बिहार के शैक्षणिक स्थिति बेहाल थी। छात्राओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए हमने साइकिल योजना का शुभारंभ किया। इस योजना ने न सिर्फ लड़कियों का आत्मविश्वास बढ़ाया बल्कि समाज की सोच और मानसिकता भी काफी हद तक बदल गई। इतना ही नहीं, 5वीं कक्षा के बाद गरीब परिवारों की लड़कियों के लिए हम लोगों ने पोशाक योजना की शुरुआत की, जिसके पश्चात आज आलम यह है कि हाई स्कूल में बच्चे बच्चियों की संख्या लगभग एक समान हो गई है। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में मार्किंग पैटर्न में किए बदलाव। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में मार्किंग पैटर्न में बदलाव करने का फैसला लिया है, जिसके तहत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं परीक्षा में 70 अंक वाले विषय में 23 और 80 अंक वाले विषय में 26 अंक लाना अनिवार्य कर दिया है। जो परीक्षार्थी निर्धारित अंक प्राप्त करते हैं उन्हें ही परीक्षा में पास माना जाएगा। वहीं प्रैक्टिकल एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो 20 अंक में 6 अंक लाना अनिवार्य होगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, इस बाबत बोर्ड ने तमाम एफिलिएटेड स्कूलों को 12वीं के मार्किंग पैटर्न की सूची उपलब्ध करा दी है। राजगीर महोत्सव का आगाज होगा 25 नवंबर से। 3 दिवसीय राजगीर महोत्सव का आगाज जल्द होने जा रहा है। 3 दिनों तक चलने वाला यह महोत्सव 25 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक चलेगा। ज्ञात हो, इस अवसर पर हॉकी ग्राउंड में 7 दिवसीय ग्राम श्री मेला का भी आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ महोत्सव के अवसर पर मुख्य कार्यक्रम RICC का आयोजन राजगीर में किया जाएगा। आपको बता दें, आयोजित कार्यक्रम में तीनों दिन शाम में नामचीन कलाकारों की प्रस्तुति RICC में होगी। शिक्षा क्षेत्र में तरक्की है सरकार का अगला प्लान। बिहार में शिक्षा क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए सरकार निष्ठापूर्वक अपना काम कर रही है। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा क्षेत्र में सुधार के मद्देनजर यह ऐलान किया है कि प्रदेश के लगभग सभी पंचायतों में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले जा चुके हैं, जिसमें 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई शुरू कराने की दिशा में काम हो रहा है। आपको बता दें, यह बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के अवसर पर आयोजित शिक्षा दिवस कार्यक्रम में कही।
पैक्स चुनाव के मद्देनजर बिहार में पहले चरण की अधिसूचना की गई जारी। पहले चरण के 1610 पैक्सों के चुनाव जल्द होने जा रहे हैं। पैक्स चुनाव के लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने अपने क्षेत्र में उन पैक्सों की अधिसूचना जारी की जिनका चुनाव पहले चरण में 9 दिसंबर को होना है। बिहार में पैक्स चुनाव के लिए वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। इसके साथ ही पहले चुनाव के तहत कुल 1610 पैक्सों के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। समाज कल्याण विभाग ने 79 पदों पर निकाली रिक्तियां। समाज कल्याण विभाग बिहार ने विभिन्न श्रेणियों के 79 पदों पर नियुक्तियां निकाली है जिसमें लेखा अधिकारी, लेखाकर, लेखा सहायक, विधि सह, परिवीक्षा अधिकारी, परामर्शी समेत अन्य कई पद शामिल हैं। इन पदों पर आवेदन भरने वाले अभ्यर्थियों को हर प्रकार के आरक्षण का लाभ मिलेगा। इच्छुक उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। आवेदन भरने की आखिरी तारीख 21 नवंबर है। सुधा के बाद अब अमूल दूध के भी दाम बढ़े। बिहार में अब दूध पीना दिन प्रतिदिन और महंगा होता जा रहा है। हाल में बिहार में सुधा दूध ने अपने दामों में बढ़ोतरी की थी। अब उसी के पद चिन्हों पर चलकर हाल ही में लॉन्च हुई अमूल दूध के दाम में भी बढ़ोतरी की गई है जिसकी जानकारी अमूल ने खुद दी है। जानकारी के अनुसार अमूल ने प्रति लीटर 2 रुपए की बढ़ोतरी की है जिसके पश्चात नई कीमतें 12 नवंबर से पटना में लागू हो गई हैं। इस घोषणा के बाद ही पाउच पर छपी कीमत अमान्य हो जाएगी। पीपापुल का शुभारंभ होगा 15 नवंबर से। हाजीपुर पटना के बीच महात्मा गांधी सेतु के जैसा ही बनने वाला पीपा पुल के निर्माण कार्य की सारी प्रक्रिया 15 नवंबर तक पूरी होने की उम्मीद जताई जा रही है जिसके पश्चात 15 नवंबर से ही पुल पर गाड़ियों की आवाजाही शुरू होने की संभावनाएं जताई जा रही है। ज्ञात हो पीपा पुल के निर्माण कार्य को खत्म करने का काम जोरों शोरों से चल रहा है। अगर बिना किसी परेशानी से सारा काम समाप्त हो गया तो पटना हाजीपुर के बीच आने जाने वाले लोग पीपा पुल पर अपने छोटे वाहनों का इस्तेमाल करने लगेंगे। तेजस्वी ने चार्टर्ड प्लेन वाली तस्वीर को खुद से किया शेयर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने जन्मदिन के चार्टर्ड प्लेन में जश्न वाली तस्वीरों को खुद शेयर किया है। जिस तस्वीर पर जमकर राजनीतिक टिप्पणियां हुई उस तस्वीर पर तेजस्वी ने चुप्पी तोड़ते हुए खुद तस्वीर को पोस्ट करते हुए सबको धन्यवाद दिया है। आपको बता दें तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट से अपने जन्मदिन की कई तस्वीरें शेयर की हैं। उनमें एक तस्वीर चार्टर्ड में प्लेन में जश्न मनाने वाली भी है। सीतामढ़ी के डीएम को मिला ईवीएफ चैंपियन ऑफ बिहार का अवार्ड। बेहतर प्रदर्शन के लिए सरकार अब जल्द ही सीतामढ़ी डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा ईवीएफ चैंपियन ऑफ बिहार से सम्मानित करेगी। मतदाता सत्यापन कार्यक्रम के तहत तय अवधि से पूर्व जिले के 23,08,045 मतदाताओं का सत्यापन कराने को लेकर सीतामढ़ी डीएम पूरे बिहार में पहले पायदान पर अपना हक जमाने में कामयाब रही है। वहीं मुंगेर के डीएम राजेश मीना को दूसरे पायदान पर जगह मिली है तो वहीं मुजफ्फरपुर के डीएम आलोक रंजन को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। राजद ने कुशवाहा द्वारा आयोजित प्रदर्शन में सम्मिलित होने पर जताई सहमति। राजद के एक हां ने रालोसपा के आत्मविश्वास में जान फूंक दी है। दरअसल रालोसपा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आज केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का आगाज करने का आयोजन किया था मगर सभी महागठबंधन दल धीरे धीरे इस प्रदर्शन से अपने पैर खींचते जा रहे थे। पहले जीतनराम मांझी ने, फिर कांग्रेस और राजद ने, मगर अब राजद ने अपने ना जाने का फैसला वापस ले लिया है। ऐसे में आरजेडी का कार्यक्रम में शामिल होना उपेंद्र कुशवाहा के लिए बड़ी राहत की खबर है। किशनगंज जाने वाले लोग इन पर्यटन स्थलों पर जरूर भ्रमण करने जाएं। किशनगंज जाने वाले लोग इन मशहूर स्थलों पर भ्रमण करना ना भूलें। नेहरू शांति पार्क, हरगौरी मंदिर, खुचदाह झील, चुरली का किला, रुईधासा कान्हा और कदम रसूल मजार, औद्रा घाट जरूर घूमने जाएं। पटना से किशनगंज जाने के लिए खुद की गाड़ी से सफर करने वाले यात्रियों को लगभग 10 से 10.5 घंटे का सफर करना होगा। वहीं ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को लगभग 12 घंटे का सफर करना होगा। पटना से किशनगंज बाय रोड की दूरी NH 31 से 370.7 किलोमीटर है। कक्षा 12वीं के लिए 2019-21 सत्र का रजिस्ट्रेशन आज से शुरू। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट सत्र 2019-21 के लिए 11वीं कक्षा के छात्रों का रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो जाएगा। यह रजिस्ट्रेशन 13 से 30 नवंबर तक चलेगी। इसमें कला, विज्ञान, वाणिज्य संकाय के अलावा व्यावसायिक पाठ्यक्रम के नियमित और स्वतंत्र कोटि के विद्यार्थी शामिल होंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म बिहार बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड है। आपकी जानकारी के लिए बता दें जिन विद्यार्थियों का ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स से 11वीं में नामांकन हुआ है उन्हीं छात्रों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने SC/ST मामले को जल्द से जल्द निपटाने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में SC/ST के जितने भी मामले लंबित पड़े हैं उनका निपटारा जल्द से जल्द करवाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा है कि ऐसे मामलों की समीक्षा कर यह पता किया जाए कि कितने मामले लंबित पड़े हैं, इसके बाद इनका निपटारा तेजी से करवाया जाए। 22 नवंबर से शुरू होगा बिहार का शीतकालीन सत्र। बिहार के नए शीतकालीन सत्र की शुरुआत 22 नवंबर से होने जा रही है। सत्र की शुरुआत से पहले सभी राजनीतिक दलों के बीच हलचल देखने को मिल रही है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी नेता नवल किशोर यादव ने कहा है कि सदन में पूरी मजबूती से सरकार हर सवाल का जवाब देगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि चुनाव आते आते विपक्ष किनारा ले लेगा। हम पर विपक्ष का कोई दबाव नहीं होता है, विपक्ष महज एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट है। वहीं विपक्षी दल के कांग्रेस नेता हरखू झा ने कहा है कि सदन में विपक्ष मजबूत है क्योंकि हम सदन में जनता के मुद्दों को उठाने में विश्वास रखते हैं।
पटना में पीयूष गांधी ने लगातार पांचवीं बार किया टेनिस खिताब अपने नाम। पटना स्मरणालय में काम करने वाले पीयूष गांधी ने ब्रजदेव प्रसाद राय 68वीं बिहार राज्य टेबल टेनिस चैंपियनशिप का पुरुष एकल खिताब अपने नाम लगातार पांचवीं बार दर्ज कर लिया है। सोमवार को खेले गए फाइनल में गांधी ने एजी ऑफिस में कार्यरत किशन राज को 11-8, 11-7, 11-6, 11-9 से हराकर इस खिताब को एक बार फिर से अपने नाम दर्ज कर लिया। दीपक चहर ने खोला अपनी शानदार गेंदबाजी का राज। चहर के हाल ही में बांग्लादेश के साथ खेले गए मैच में शानदार गेंदबाजी ने भारतीय टीम को शानदार जीत दिलवाने में अहम भूमिका निभाई है। चहर ने 4 ओवरों में 7 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए। चहर ने इस उम्दा प्रदर्शन का पूरा श्रेय रोहित शर्मा को दिया है। उन्होंने कहा, रोहित भाई ने कहा था कि मैं तुम्हें बुमराह की तरह इस्तेमाल करूंगा, मैं तुम्हें अहम समय पर गेंदबाजी कराऊंगा और इससे मुझे प्रेरणा मिली। मुझे जब दबाव में जिम्मेदारी दी जाती है तो मुझे यह पसंद आता है क्योंकि इससे मुझे लगता है कि मुझ पर भरोसा किया जा रहा है। अब आइए जानते हैं मौसम का हाल। अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में हल्की धूप और सुबह के वक्त धुंध रहने के आसार है। साथ ही मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में भी दिन में हल्की धुंध के साथ हल्की धूप के साथ मौसम सामान्य रहने के आसार है। अभी भी कई गांवों के सड़कों का हाल है बेहाल। आज तक कितनी सरकारें आई गई मगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो सड़कों का हाल बेहाल ही मिलता है। ऐसा ही कुछ हाल समस्तीपुर के खानपुर प्रखंड के कानू विष्णुपुर की बस्ती का है, जहां आज भी गांव के लोग पगडंडी सड़क से होते आते जाते हैं। शादी के बाद नई नवेली दुल्हन को भी पैदल ही अपने घर का रास्ता सफर करना पड़ता है। सड़क नहीं होने की वजह से खेती बाड़ी क्षेत्र में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बिहारी न्यूज के द्वारा प्रसारित होने वाले 25 फटाफट खबरों को बहुत प्यार मिलता आया है और आगे भी मिलता रहेगा। आपके प्यार की वजह से ही हमें शक्ति मिलते रही है और हम प्रतिदिन आपके लिए 25 फटाफट खबरें लाते रहे हैं। 25 फटाफट खबरों में हम कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हैं, इसके लिए हम आपसे सुझाव लेना चाहते हैं। आप में से जिनका भी सुझाव हमारी टीम को पसंद आएगा उनके सुझाव को हम 25 खबरों में इम्प्लीमेंट करेंगे और आपका नाम डिस्प्ले करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है, आग्रह है, विनम्र निवेदन है कि आप अपना सुझाव सिर्फ कमेंट बॉक्स में दें, जिससे कि हम आपके लिए कुछ नया कर सके। धन्यवाद।